वालेकुम, आई एम मिस किरण। आई एम टीचर ऑफ मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। आई एम योर मैथ्स टीचर। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, मैंने अभी लास्ट जो आपके आपकी वीडियो गई है उसमें मैंने आपको काउंटडाउन बुक का और कॉपी वर्क करवाया था, तो आज हम ओनली काउंटडाउन बुक करेंगे क्योंकि हमारा कॉपी वर्क कंप्लीट हो चुका है मंथ ऑफ सितंबर का। आज हम मंथ ऑफ सितंबर के जो काउंटडाउन बुक के पेजेस रह गए हैं आज हम वो करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपके आपकी बुक कौन सी है? ऑफ कोर्स न्यू काउंटडाउन बुक 1 थर्ड एडिशन। ओपन पेज नंबर 76। आज हम पेज नंबर 76 करेंगे, मगर मैं आपको एक बार रिव्यू दे दूं जो हमने कल जो हम अभी हमने इससे पहले जो वीडियो गई है उसमें जो पेजेस किए थे। हमने इससे पहले 75 पेज नंबर करा था जिसमें हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था सब्ट्रैक्शंस टू डिजिट्स। उससे पहले हमने क्या सीखा था, उससे पहले हमने सीखा था सब्ट्रैक्शन टेंस जो हमने पेज नंबर 74 पे सीखा था। और उसके बाद उसी दिन हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की थी, सब्ट्रैक्शन किया था वर्ड प्रॉब्लम का जिसमें हमें क्वेश्चंस गिवन थे और हमें जो है उसको सॉल्व करके करना था। तो हमने ये बहुत अच्छा वर्क किया था। मैंने आपकी पिक्चर्स देखी थी ग्रुप में, तो बहुत अच्छा आपने वर्क करके मुझे ग्रुप में पिक्चर भेजी है। ओके स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 76। ओके स्टूडेंट, राइट डाउन द डेट हेयर। सब्ट्रैक्ट द फिल इन द बॉक्सेस। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन गिवेन है, यहाँ पर आपके पास स्ट्रोक्स बने हुए जिसमें टेंस होते हैं लाइन। यहाँ पे हमें लिखना है लेफ्ट, मतलब जो इन्होंने उसमें किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, वो हमें नहीं लिखना है। जितने लेफ्ट हैं, जितने हमारे पास रिमेनिंग बचे हुए वो हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। राइट डाउन दी 9। और इधर 1, 2। राइट डाउन दी 2 1s। अब हमने इधर क्या लिखना है, इधर हमने लिखना है 92 और ये 3 हाईलाइट हुए हुए थे, तो 3 हमने इधर लिखना है। ओके, तो फिर हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 92 में से 3 को। जब हम 92 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। मैंने आपको कैरी वाले सम नहीं सिखाए हैं, मगर इसमें जो मैं भी आपको कैरी लेना सिखाऊंगी। कैरी हम किस तरह लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 9 है, तो 9 में से हमने 1 नंबर यहाँ पे कैरी दे दिया, तो यहाँ पे कितने हो गए 12। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 लाइनें ड्रॉ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 में से आपने 3 नंबर माइनस कर दिए, तो यहाँ पे कितने बचे 9, और यहाँ पे कितने थे 8, क्योंकि हमने 1 नंबर तो इसे कैरी दे दिया था, तो यहाँ पे कितने बचे थे 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 89। ओके, अब हम बी करेंगे, तो बी में हमारे पास बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन करना है बी वाला, तो हम बी वाला क्वेश्चन भी हम इसी तरह करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 क्या करेंगे, 5 10s, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचे, 1 1s। यहाँ पे हम लिखेंगे 51, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 1, और यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। अब जो है हम इसे 1 कैरी दे देंगे, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 में से हमने 8 लाइनें डिटेक्ट कर दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमारे पास कितने रिमेनिंग है, 1, 2, 3, और यहाँ पे जो 1 इसे कैरी दे दिया था, तो यहाँ पे क्या आया, 43। स्टूडेंट्स, अब जो है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, नाउ सब्ट्रैक्ट एंड कंप्लीट दिस 1 हैज बीन डन फॉर यू। ये हमारे पास क्वेश्चन है,
तो क्वेश्चन जो है आपके सब्ट्रैक्शन है, जिस तरह हमने पहले सब्ट्रैक्शन किया है बिल्कुल उसी तरह है। हमने अब इधर क्या करना है, इधर हमने फोर लाइनें ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4, और 3 लाइनें माइनस कर देनी है, और यहाँ पे क्या आएगा 1, और इधर हम क्या लिखेंगे 2। और यहाँ पर कैसे करना है, हमें 8 लाइनें ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 लाइनें डिटेक्ट कर दी, तो यहाँ पे क्या आया 1, और यहाँ पे क्या आया 6। ओके स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन हम बहुत सारी तरीक़ों से कर सकते हैं। हम अपनी उंगलीज पे काउंट करें जब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को गैदर कर लें तो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन बहुत तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे पास ये है, ये किस तरह हमें करना है, यहाँ पे 5 है, और 5 में से जब 5 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0, और 9 हम इसी तरह लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे 9 है, अब हमने कितनी लाइनें ड्रॉ की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनमें से क्या किया 7 लाइनें डिटेक्ट कर दी, और कितने बचे हमारे पास 2, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 2, और ये 5 इसी तरह लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये सारे ये क्वेश्चन करा दिए हैं ई तक, अब जो है ये एक आप मुझे करके दिखाइएगा स्टूडेंट्स, अभी आगे भी यही क्वेश्चन है तो आपको अच्छा है, आप जब खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब तक हम कोई काम खुद नहीं करते तो हमें नहीं पता होता ये किस तरह होगा। ओके, अब हमने पेज नंबर 76 हैज़ बीन डन, पेज नंबर 77, अब हम कौन सा पेज कर रहे हैं, पेज नंबर 77, राइट डाउन द डेट हेयर, यहाँ पे आपने डेट हेयर करनी है, सब्ट्रैक्शन 2 डिजिट्स नंबर, आपके पास एक डन हुआ हुआ है जिसमें आपके स्टॉक आ गए हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको नेक्स्ट भी डन करना है, इसमें नेक्स्ट जो है आपके पास भी डन हुआ हुआ है, यह आपको 2-3 तरीक़ों से करके बताया है। अब आप ये वाला देखें, ये जो सी ये जो है ये हमें करना है, हमारे पास लेफ्ट कितने 10 से 2, यहाँ पे हमने क्या लिखा 2, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 1s, यहाँ पे हम लिखेंगे, और ये कितने 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो हमने 44 ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पे 24 आया था तो 24 नीचे लिखेंगे, 4 में से 4 को हमने माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या आया 0, और यहाँ पे हमने 4 लाइनें ड्रॉ की, 1 2 3 4, और 2 माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या आया 20। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने ये भी करना है, इधर कितने लेफ्ट है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या लिखा हमने 6, और यहाँ पे क्या लिखा 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, कुछ भी नहीं होता तो उसके मीनिंग क्या होते हैं, नथिंग, 0। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया, यहाँ पे हमारे पास 60 लिखा हमने, और यहाँ पे क्या है 1 2 2, और यहाँ पे 20 0, 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0, यहाँ पे हम 6 लाइनें ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 2 लाइनें माइनस कर दी तो हमारे पास क्या आया 40। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बिल्कुल इसी तरह ही करवा दिया है। अभी पेज नंबर 78 पे इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो के 2 हैं, बिल्कुल आपको ये इसी तरह करना है, और आपने मुझे बिल्कुल इसी तरह करने के बाद पिक्चर भी भेज दी है ग्रुप में। ओके, उनमें से एक डन हुआ है और एक आपको मुझे करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी 6, जिसमें है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, अब आपके सब्ट्रैक्ट है तो आपको ये सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है, आपने इसी तरह करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने क्या किया 9 लाइनें ड्रॉ कर दी, और उनमें से कितनी लाइनें डिटेक्ट की, 1 लाइन आपने डिटेक्ट कर दी, तो कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट डाउन दी 8, 1 2 3 4 5 6 7, 5 लाइनें हमने डिटेक्ट कर दी, 1 2 28, आपने जो है ये वाला वर्ब बिल्कुल इसी तरह, मैंने आप अगर मैं आपको एक दफ़ा समझा देती हूँ तो आपको अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि टीचर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, अपनी वॉइस नोट ग्रुप में भेजें और जो है मुझसे पूछें जो भी चीज़ आपको मैथ में समझ में नहीं आती है, और आप लोग हर चीज़
खुद करने की कोशिश किया करें। आपको मम्मा का आजकल तो सबको मोबाइल्स यूज़ करने आते हैं, मम्मा आपको वीडियो खोल के दे देगी, आप लोग मेरी वीडियो को देखें उसके बाद खुद करें ये वाला वर्क, आपको खुद करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा वर्क करते वक्त। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 2 3 4 इनमें से हमें 3 डिटेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया 1। अब यहाँ पे कितनी लाइनें ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, और कितनी डिटेक्ट कर दी हमने, 3 लाइनें हमने इसमें से डिटेक्ट कर दी और 2 लाइनें रिमेनिंग बची। अब मैं तो यहाँ पर आपको लाइनें डाल के और इस तरह आपको मैथ समझाती हूँ, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे टॉयज हैं घर में, आप लोग रोज़ाना खेलते हैं ना, उससे प्लेइंग करते हैं खेलते हैं, तो आप लोग जो है उससे भी कर सकते हैं। आप लोग उसको गैदर करें, उसके बाद जो है बहुत इंजॉय करें, एक्टिविटी करें। मैथ तो है ही एक एक्टिविटी, मैथ में आप जितना उसको करेंगे आपको उतनी ही मैथ समझ में आएगी, इसीलिए मैथ आपको खुद जो है करके देखनी होती है। मैथ ऐसी चीज़ है आपको याद तो करना नहीं है इसमें, जैसे कि हम और सब्जेक्ट्स में याद करते हैं, हम कंप्यूटर में याद करते हैं, हम उर्दू में याद करते हैं, मगर हम मैथ में याद नहीं करते, हम मैथ में प्रैक्टिस करते हैं। हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारी मैथ अच्छी होती है, इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करें। मैंने आपको सब्ट्रैक्शन भी आज सिखाया है, मैंने आपको एडिशन सिखाया है, इंशाल्लाह आगे हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इसीलिए आपको जब तक सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में कमांड नहीं होगी तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसीलिए आप खुद प्रैक्टिस करें, आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। अच्छा, हमारे पास 9 है, जब 9 में 0 माइनस किया तो इधर 9 ही बजे। ओके, अब यहाँ पे हमने कितने लिखा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 8 लाइनें ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कितनी लाइनें माइनस कर दी इनमें से, 5, और यहाँ पे क्या आएगा 3। राइट डाउन दी 3 3। ओके स्टूडेंट, अब हम ये वाला करेंगे क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, और 2 लाइनें माइनस कर दी तो राइट डाउन दी 4। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितनी लाइनें डिटेक्ट कर दी 4, और यहाँ पे क्या आया 2। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आपने कितनी लाइनें ड्रॉ की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे कितनी लाइनें माइनस कर दी, 7 लाइनें हमने डिटेक्ट कर दी, राइट डाउन दी 2, 2 में से 1 माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, देन अब हम करेंगे सबट्रैक्ट, पेज नंबर 78 हैज़ बीन कंप्लीटेड। इसमें मैंने आपको कोई भी सबट्रैक्शन की क्वेश्चन खुद करने के लिए नहीं दिए हैं, टीचर ने खुद करवाए हैं सारे क्वेश्चन। ओके, अब हम पेज नंबर 79 पे करेंगे, वहाँ पर भी आपके बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आप देख रहे हैं, मगर हमें डेट हर पेज पे मेंशन करनी पड़ती है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम डेट ज़रूर लिखते हैं किसी भी काम से पहले, हमें डेट ज़रूर मेंशन करनी होती है कि हमें पता चले ना हमने किस डेट पे ये वाला वर्क किया है। आपका ये वाला काम भी बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह और वर्क आपने करा है। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह है, इस क्वेश्चन के भी सवाल लिखा हुआ है आपके पास, सबट्रैक्ट दी फॉलोइंग। हमने क्या करना है, हमेशा सबट्रैक्शन इस साइड से शुरू होती है, हम इस साइड से करते हैं सबट्रैक्शन, हमेशा याद रखिएगा ये चीज़, चाहे वो सबट्रैक्शन हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो इस तरफ से शुरू होती है। हम सबसे पहले 4 लाइनें ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, और कितनी लाइनें हम डिटेक्ट करेंगे, 3, और राइट डाउन दी 1, हमारे पास कितनी बची 1, टीचर से गलती से सारी कट गई, राइट डाउन दी 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमें कितनी लाइनें ड्रॉ करनी है, हमें 8 लाइनें ड्रॉ करनी है। ओके, तो अब हम कितनी लाइनें ड्रॉ करेंगे, हम 8 लाइनें ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
और थ्री लाइनें माइनस कर दी, 1 2 3 4 5, राइट डाउन दी 5, राइट डाउन दी 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, नंबर 2 जिसमें हमारे पास 9 है, हमें 9 में से 1 माइनस करना है, तो 9 लाइनें हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 लाइनें माइनस कर ली, हमारे पास कितने बचे, 8। और हमारे पास बिल्कुल इस यही नंबर गिवन है, तो हमें दोबारा लाइनें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें भी यही करना है, 9 में से क्या माइनस होगा, 1, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 8। ओके स्टूडेंट, अब हम सी करते हैं, हमें क्या लिखना है, 1 2 3 4, और 2 लाइनें माइनस कर दी, तो यहाँ पे क्या आया, 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे है 7, आपने क्या करना है, 7 लाइनें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और 5 लाइनें यहाँ से ड्रैग कर दी, तो कितनी बची हमारे पास, 2। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 22। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमारे पास है 77, हमें कितनी लाइनें ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और 5 लाइनें इनमें से ड्रैग कर दी। जब हम एडिशन करते हैं तो इसमें सिर्फ हम ऊपर वाली लाइनें ड्रॉ करते हैं और उसको माइनस कर देते हैं इस लाइन से, हमने 7 लाइनें यहाँ पे ड्रॉ की, अब हम इनमें से कितनी लाइनें ड्रैग करेंगे, चलें स्टूडेंट्स, 7 हमने लाइनें ड्रॉ की, इनमें से हमें कितनी लाइनें डिटेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5 लाइनें हमने डिटेक्ट कर दी, तो हमारे पास कितनी लाइनें बची, हमारे पास 2 बची, 2 लाइन बची, मतलब 1 2, तो हमने राइट डाउन क्या किया, 2। अब हम इधर कितनी लाइनें ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से हमने 5 लाइनें डिटेक्ट कर दी, देन 1 हमारे पास रिमेनिंग बचा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ई करेंगे, ई है हमारे पास 4, 4 में से जब 4 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन बताएगा, आप सबको पता है जब हमारे पास 4 चीज़ें हैं, 4 आइटम्स हैं, तो उसमें से 4 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 0, कुछ भी नहीं बचा। अब हमारे पास हम जो कितनी लाइनें ड्रॉ करेंगे, 5, 1 2 3 4 5, 5 में से 3 लाइनें हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास कितनी लाइनें बची, 1 2, राइट डाउन दी 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कितनी लाइनें ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम 7 लाइनें ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 लाइनें हमने इसमें से डिटेक्ट कर दी, 1 2 3 4 5, राइट डाउन दी 5, और यहाँ पे 2 में से 2 माइनस किया तो 0। ओके और यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमने कितनी लाइनें ड्रॉ की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें हमने इसमें ड्रॉ की, और इनमें से कितनी लाइन डिटेक्ट कर दी, 7 लाइनें हमने डिटेक्ट कर दी, राइट डाउन दी वन। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमें क्या करना है, अब हमें करना है कौन सा क्वेश्चन, इन्हीं में हमने क्या करना है, 9 लाइनें ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने क्या करना है, इनमें से 4 लाइनें हमने कितनी लाइनें माइनस करनी है, 4, 1 2 3 4, हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5, राइट डाउन दी 5, 7, ये क्या है स्टूडेंट, 7 हमने कितनी लाइनें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और कितनी लाइन ड्रैग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से हमने 3 लाइनें ड्रैग कर दी, देन अब हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4, राइट डाउन दी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से हमने 6 लाइनें माइनस कर दी, तो हमारे पास कितनी बची, 1 2 3 4 1 2 3, राइट डाउन दी 3। ओके स्टूडेंट्स, मैंने पेज नंबर 79 पर आपको 6 क्वेश्चंस करवा दिए हैं A to H।
अब आपने कितने क्वेश्चन खुद करने हैं, आई जे के एल एम एन ओ पी सब्ट्रैक्शन ही क्वेश्चन हमारे पास पेज नंबर 79 पे भी थे और 79 पे भी हैं। अब जो है आपने इनमें से खुद करके मुझे पिक्चर भेजनी है ग्रुप में। अभी हम जो प्लान नेक्स्ट पेज पेज नंबर 80 करते हैं। पेज नंबर 80 पे राइट डाउन दी डेट हेयर वर्ड प्रॉब्लम्स सब्ट्रैक्शन। आपके पास नंबर 1 जो है फिल हुआ हुआ है, सबा हैज डेकोरेटेड दी रूम विथ 22 बैलून ब्रश हाउ मैनी आर लेफ्ट। 38 बैलून्स में से 22 बैलून्स ब्रस्ट हो गए मतलब फट गए, तो सबा के पास रिमेनिंग कितने बचे 16। ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन 20 करवा रही हूँ। इन अ बॉक्स ऑफ 25 क्रियॉन्स 11 क्रियॉन्स आर ब्रोकन हाउ मैनी आर नॉट ब्रोकन। 25 क्रियॉन्स एक बॉक्स में से थे जिनमें से 11 क्रियॉन्स ब्रोकन हो गए यानी कि टूट गए, तो हम कितने बचे, तो हम क्या लिखेंगे 25 11। अब जो हमने क्या करना है 5 में से 1 माइनस करना है 1 2 3 4 5 1 माइनस किया राइट डाउन दी 4 और 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 1 2 1 माइनस कर दिया राइट डाउन दी 1। कितने क्रियॉन्स इनके पास बचे आर नॉट ब्रोकन 14 क्रियॉन्स आर नॉट ब्रोकन। ओके स्टूडेंट्स आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना, मैंने आपको पहले भी करवाई थी और अभी दोबारा करवा रही हूँ। अफजल बुक्स हैज 64 पेजेस ही हैज रीड 43 पेजेस हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट फॉर हिम टू रीड। अफजल ने 64 पेजेस रीड कर लिए 43 पेजेस अफजल के पास टोटल पेजेस थे 64 जिनमें से 43 पेजेस जो है उसने रीड कर लिए, तो उसके बाद कितने रिमेनिंग पेजेस बचे, तो हम क्या लिखेंगे पहले 64 और 43। अब जो हमने 4 लाइनें यहाँ पे ड्रॉ की 1 2 3 4 इनमें से हमने क्या किया 3 माइनस कर दिया देन राइट डाउन दी 1 1 2 3 4 5 6 6 में से 4 हमने माइनस कर दिया 1 2 राइट डाउन दी 2। ओके स्टूडेंट्स अब जो है मैंने आपको ये समझा दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम किस तरह करनी है। आप मुझे ज़रूर वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं डी एंड ई, और जो है आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज मैंने पेज नंबर 80 पेज नंबर 79 पेज नंबर 78 देन पेज नंबर 77 करवाया है। ओके स्टूडेंट्स आप लोग भी इनमें से जो जो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करके दिखाया है बल्कि समझा दिया है ऊपर, तो वो आप मुझे खुद करके दिखाइएगा और मुझे ग्रुप में पिक्चर भेजिएगा। इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम सो यू विल फ्रीली डिस्कस विद मी आई विल गाइड यू। Stay home, stay safe, Allah Hafiz.